अमर पौ ऑल इंडिया न्यूज चैनल न्यूज पाकरणीत मी ब्रजगोपाल सिंह। देशनाथ कोरोना संक्रमित संख्या 1,52,734 गो आजिकार नुआ संक्रमित संख्या 50 दिन भितरे हाबित्त कम रिपोर्ट ठाने हान 24 घंटा 3,128 गो संक्रमित या मरला आग दिने 2,38,022 गो ठीक होइला। एर हादे देशनार कतहान राज्ये आर्थिक प्रक्रिया आरम्भ से लॉकडाउन 7 जून पे तबे राजधानी दिल्ली फैक्ट्री बारो कन्स्ट्रक्शन काम कालित्व आरम्भ ऑयल। महाराष्ट्र 15 जून पे लॉकडाउन बारानी ऑयल। उत्तराखंड बारो बिहार 8 जून पे लॉकडाउन जारी थाय तो आलदा आलदा राज्य तानु राज्यर भितरे कोरोना परिस्थितिर गजे ख्याल हान थोया कारफ्यू बारो लॉकडाउन देना नादानी बारानी कमानी एहान विचार करता है। दिल्लीर खबर हान कालित्व फैक्ट्री चलिल कन्स्ट्रक्शन काम चलेर उत्तर प्रदेश आजित कारफ्यू लॉकडाउन वन खानी हेचरात करता है। महाराष्ट्र 15 जून पे लॉकडाउन थाय तो उत्तराखंड 12 बिहार 8 जून पे लॉकडाउन बारेला। देशनार कोनो कोनो राज्य 9 तारीख पे लॉकडाउन थाय तो एसादे हिमाचल प्रदेश 10 जून पे हरियाणा 7 जून पे राजस्थान 8 जून पे पंजाब 10 जून पे दिल्ली 7 जून पे महाराष्ट्र 15 जून पे पश्चिमबंगे 15 जून पे लॉकडाउन थाय तो बिहारे 8 जून पे लॉकडाउन झारखंडे 8 जून पे लॉकडाउन थाय तो। देशनाथ गैसर दाम हान कमल 122 टका। ए जून माहर गैस सिलेंडर बुकिंग कराने आगे दाम हान तदंत करानी थक। आईपीसी सिलेंडर सरकारी सेल कम्पानी गैस सिलेंडर दाम हान 21 जून गलगा कालित्व 122 टका करिया कमेला। आईओसीए 19 केजिर कमार्शियल गैस सिलेंडर दाम हान 122 टका कमानर सिद्धांत हाबिरे जानेला। त्रिपुरा मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देवगिर के केंद्र सरकार सहयोगित राज्यवासी लेरापाड़े खानार्ता गाड़ी बुझाई करिया जगह जगह दिया बैठा दे और लेरापाओ तरका जेता कोविड स्पेशल रिलीफ पैकेज स्कीम बुलिया माते पारियार 7 लाख परिवार स्कीमे हान पीताय मुख्यमंत्री गिर के हाबिए पीताय ए आशा करल राज्यवासी रंग चेक। महामारी चल रहा है उस समय लोगों के पास एक तरफ तो जो हेल्थ की सुविधाएं है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक दिशा निर्देशिका तैयार करके पूरे देश भर में भेजा है उसको त्रिपुरा सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी सब जो हमारे सहयोगी है सब मिलके उसको साकार करने में एक हद तक सक्सेस रहे हैं वो प्रमाणित हुई है। इसमें बड़ी मात्रा में मेरे त्रिपुरा के जो आम जनता है उनका जो भागीदारी है और साथ ही स्वतस्फूर्तता है वो डर नहीं रहा है। जो हमको वैक्सीनेटेड होना है वैक्सीन लेना है तो उसमें त्रिपुरा एकमात्र राज्य आपने देखा शुरुआती से जब बुजुर्ग लोगों को दिया जा रहा था उस समय भी हमारा परसेंटेज 1 नंबर में 2 नंबर में होती थी क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा फैलाया था इस वैक्सीन लेने से नुकसान हो जाएगी ये मोदी का वैक्सीन है अपप्रचार किया था किंतु त्रिपुरा के लोगों ने उस अपप्रचार में गए नहीं और माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर त्रिपुरा का लोगों का पूरा विश्वास है और पहले दिन से त्रिपुरा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया त्रिपुरा की जनता ने उसी कारण से आज 45+ में जो वैक्सीनेटेड हुआ है वो देश में 1 नंबर में है त्रिपुरा। दूसरी तरफ ऑक्सीजन प्लांट हो और जो मेडिसिन हो बाकी सब सुविधा हो तो त्रिपुरा के हेल्थ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से NHM के माध्यम से त्रिपुरा को प्रोवाइड किया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ हमने जो 18+ 44 तक जो वैक्सीनेटेड जो वैक्सीनेशन दिया जाएगा उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा जो उसमें भी आप लोग आप फाइनेंशियली त्रिपुरा को मदद करें। आपने सुना हो पहले जो 134 करोड़ का त्रिपुरा आपने बजट से बरामद किया हुआ है तो उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है। मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा के हित में मदद जरूर करेंगे जैसे कि वो पहले से भी आप ऐसा करते आए हुए। दूसरा
आज जो हमने शुरुआत किया है, जो 7 लाख परिवार को एक साथ पूरे राज्य भर में इनके पास जो खाना पहुँचा देना, और खाना मतलब बाकी सब राज्य में मैंने किसी का तुलना नहीं करता हूँ, एक तो पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने का जो लोग बीपीएल अंत्योदय है प्रायोरिटी हाउस उनको तो चावल का बंदोबस्त कर ही दिया, और त्रिपुरा सरकार ने जो इसके साथ 10 किलो चावल है उसमें आलू है, उसमें प्याज है, उसमें मसाला है, उसमें मस्टर्ड ऑयल है, उसमें सोयाबीन है, ये सब कुछ कुल मिला के एक पैकेज बना के ये 80 करोड़ का खर्चा होगा, और पहली बार ये त्रिपुरा में ऐसा काम होने जा रहा है। मेरा पूर्ण विश्वास है जो लोग कोरोना कर्फ्यू में आज घर पे है, जिनका रोजगार नहीं है, जो गरीब परिवार है उनको मदद मिलेगी, और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के माध्यम से लोगों के पास पैसा पहुँचे, बड़े मात्रा में पैसा रिलीज किया है, इसमें 332 करोड़ रुपया हमने बरद्द किए हैं, और साथ ही साथ 2F जो कि लोकल बॉडी अर्बन बॉडी में काम होगी, गरीब लोगों को पैसा मिलेगा, उसमें भी 25 करोड़ रुपया दिया हुआ है, और जो सोशल पेंशन त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार मिलके देते हैं 4 लाख के ऊपर, ऐसे लोगों को 2 महीने का एक साथ 2000 रुपया एक साथ उनके अकाउंट में पहुँचा देना, और साथ ही साथ 7 लाख परिवार को 1-1 हज़ार करके एक साथ पहुंचा देना, वो भी त्रिपुरा सरकार ने कर लिया है। मुझे विश्वास है कोरोना की इस परिस्थिति में ये पैकेज काम पे आएगी, और हम लोग सब धीरे धीरे वैक्सीनेशन जो हम लोग हमारे पास जो वैक्सीन आया हुआ है उसको सबके पास पहुँच देंगे, और हर क्षेत्र में त्रिपुरा सबसे आगे निकल के आएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, और मैं मानता हूँ जनता उसे। आज गर्पो एपेतलमोइल आहेरकाली बारो आहितो नुआ नुआ खबर लो हाबिरे हम अब्यक्ति जनावरी।